हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा मंत्रम। बच्चों, आज हम बात करेंगे कर्ण के बारे में। तो कर्ण के जन्म की कहानी हम पाठ 6 कुंती में पहले से ही पढ़ चुके हैं कि किस तरह से कुंती को सूर्य देवता के अनुग्रह से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन यह पुत्र उसके विवाह से पहले प्राप्त हुआ था, इसीलिए लोक निंदा के डर से उसने उस बच्चे को छोड़ देना ही ठीक समझा। इसलिए उसने बच्चे को एक पेटी में सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया और उस पेटी को एक अधिरथ नाम के सारथी ने देखा और उसने पेटी निकाली और उसमें से बच्चे को निकाला। अधिरथ के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने बालक को पाल पोस कर बड़ा करने का निर्णय लिया और वह बालक सूर्यपुत्र कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। अब कर्ण का महाभारत के युद्ध से क्या संबंध है, वह हस्तिनापुर में किस तरह से आता है और कौरवों की तरफ से युद्ध आखिर क्यों लड़ता है, ये सब बातें हम इस पाठ में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 8, कर्ण। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। उनको जब विद्या में काफी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक भारी समारोह किया गया जिसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने आए थे। तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वही सबसे बढ़कर निकले। आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर की थी, परंतु तीर चलाने में पांडु पुत्र अर्जुन का कोई सानी ना था। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए। यह देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि के द्वार पर खम ठोकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। वह युवक और कोई नहीं, अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था, लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम न थी। देखिए क्या होता है कि पांडु पुत्र यानी कि पांडव कृपाचार्य से और द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और जब वे उसमें कुशल हो गए यानी कि जब वो अच्छी तरह से अस्त्र शस्त्र चलाना सीख गए, तब एक आयोजन किया गया जिसमें कि वो उन्होंने क्या सीखा है ये वो प्रदर्शित कर सके सभी लोगों के सामने। तो इसमें धनुष विद्या में पांडु पुत्र अर्जुन इसकी बराबरी कोई नहीं कर पा रहा था। वह सबसे अधिक निपुण था तीरंदाजी में। तो दुर्योधन इससे बहुत जलने लगा था। तो इतने में क्या होता है कि एक बहुत तेजस्वी युवक अर्जुन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वह अर्जुन को चैलेंज करता है। तो वो युवक और कोई नहीं, वही कुंती पुत्र कर्ण था। रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा। अर्जुन, जो भी कर्तव्य तुमने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच गई, पर ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया और उसे छाती से लगाकर बोला, कहो कर्ण, कैसे आए? बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तैश आया। वह बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं वे निंदा के योग्य होते हैं। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है, सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। व्यर्थ डींगे मारने से फायदा क्या, चलो तीरों से बात कर लें। तो इस तरह से अर्जुन और कर्ण में बहस बहासी होने लगी। जब कर्ण ने अर्जुन को यूं चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाई। उनके दो दल बन गए। एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा कर्ण को।
इसी प्रकार वहां इकट्ठी स्त्रियों के भी दो दल बन गए। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय तथा लज्जा के मारे मूर्छित सी हो गई। उसकी यह हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे चेत करवाया। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर, महाराज पांडु का पुत्र और कुरु वंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय तो दो। तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो? द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में ही होता है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। जिस कार्यक्रम में ये सारे खेल दिखाए जा रहे थे, वहां का एक नियम था कि जो भी खेल दिखाया जाएगा या जो भी द्वंद्व होगा, यानी कि जो भी प्रतियोगिता होगी, वो बराबरी वालों में होगी। अर्जुन एक राजकुमार था, लेकिन कर्ण एक सूत पुत्र था, यानी कि एक सारथी का पाला पोसा गया पुत्र था। उसका असली परिचय तो कोई जानता नहीं था, इसलिए कृपाचार्य ने जब कर्ण से उसका परिचय मांगा तो वह बहुत शर्मिंदा हुआ और उसका सिर झुक गया, क्योंकि वह एक सारथी का पुत्र था और उसकी राजकुमार अर्जुन से कोई भी बराबरी नहीं थी। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वहीं रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। देखिए क्या होता है, दुर्योधन वैसे भी पांडवों से बहुत जलता था, तो अर्जुन की वीरता देखकर वह और भी जल रहा था। तो जब कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी तो दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, लेकिन कर्ण अपना परिचय नहीं दे पा रहा था, इसलिए दुर्योधन ने उसे अपना मित्र बनाया और उसे अपना एक राज्य जिसका वो राजा था, यानी कि अंग देश, उसका राजा उसने कर्ण को बना दिया। अब चूंकि कर्ण अंग देश का राजा बन गया था तो वह अर्जुन के साथ द्वंद्व करने के लिए तैयार था। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ, जिसने कर्ण को पाला था, लाठी टेकता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ। कर्ण जो अभी अभी अंग देश का नरेश बना दिया गया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर नवाया। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया। यह देखकर भीम खूब कह कहा मारकर हंस पड़ा और बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक, वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए? यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभा विसर्जित हो गई। मशालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय बोलते जाते थे। तो फिर क्या होता है कि कर्ण और अर्जुन के बीच प्रतियोगिता होने ही वाली थी, लेकिन इतने में कर्ण के पिता जो सारथी अधीरथ थे, वे आ जाते हैं और उनको देखकर कर्ण उनका अभिवादन करता है, उनको नमस्कार करता है। तो यह देखकर सब लोगों को पता चल जाता है कि कर्ण एक सारथी का पुत्र है। तो यह देखकर भीम उसके ऊपर व्यंग करता है कि जिस तरह से सारथी चाबुक लेकर घोड़े को हांकते हैं और रथ चलाते हैं, उसी प्रकार एक सारथी के बेटे को भी हाथ में चाबुक लेकर रथ हांकना चाहिए। इसलिए वह कटाक्ष करता है, बोलता है कि चाबुक लो, चाबुक, वही तुम्हें शोभा देगा। तो ऐसा वह भीम कर्ण के लिए कहता है, लेकिन इसी बीच सूरज डूब जाता है और वह सभा विसर्जित हो जाती है, यानी कि समाप्त कर दी जाती है, क्योंकि अंधेरे में कभी भी द्वंद नहीं होता या कोई प्रतियोगिता आयोजित नहीं की जाती है। अंधेरा होने पर लोग मशाल और दीपकों की रोशनी करते हैं और वे अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय जयकार करते हैं। इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र
बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उसके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से ही उन्होंने उससे यह भिक्षा मांगी थी। कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाले हैं, परंतु कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर वह मना कर ही नहीं सकता था। इस कारण यह जानते हुए भी कि भिखारी के वेश में इंद्र धोखा कर रहे हैं, कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दिए। यह घटना बहुत समय बाद की है, यानी कि महाभारत के युद्ध के कुछ दिनों पहले की है। तो इंद्र देवता यह अच्छी तरह से जानती थी कि युद्ध में अर्जुन का सामना कर्ण से होने वाला है और कर्ण अर्जुन से ज़्यादा सक्षम है, ज़्यादा कुशल है। इसलिए इस डर से कि कहीं अर्जुन हार ना जाए या अर्जुन पर कोई विपत्ति ना आ जाए, तो वे कर्ण से उसके कवच और कुंडल मांगते हैं भिक्षा में, भिखारी के वेश में आकर। क्योंकि कर्ण बड़ा ही दानी था तो वह उसे अपने कवच और कुंडल दान में दे देता है और इसी कारण वह दानवीर कर्ण के नाम से भी प्रसिद्ध होता है। इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए। कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले, कर्ण तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वरदान चाहो मांगो। कर्ण ने देवराज से कहा, आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान करें। तो इंद्र कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांग लेते हैं और कर्ण उन्हें दे भी देता है। इससे देवराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कर्ण से एक वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तो कर्ण वरदान के रूप में उनसे उनका शक्ति नाम का शस्त्र, जो सभी शत्रुओं का संहार करने वाला था, वह मांग लेते हैं। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना वह शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा, युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र चले गए। तो इंद्र ने कर्ण को वरदान दिया और उसे शक्ति नाम का शस्त्र भी दिया, लेकिन साथ में यह भी बोला कि वह उसका प्रयोग केवल एक ही बार कर सकता है और उसका प्रयोग करने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। ऐसा कहकर इंद्र चले गए। एक घटना और देखते हैं। एक बार कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसलिए वह ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करें। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना दिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। इतने में एक काला भौरा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और काटने लगा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई और जांघ से लहू की धारा बहने लगी, पर कर्ण ने इस भय से कि कहीं गुरुदेव की नींद न खुल जाए, जांघ को जरा भी हिलाया डुलाया नहीं। जब खून से परशुराम की देह भीगने लगी तो उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। यह देखकर परशुराम बोले, बेटा सच बताओ तुम कौन हो। तब कर्ण असली बात न छिपा सका। उसने स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है। यह जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया, अतः उन्होंने उसी घड़ी कर्ण को शाप देते हुए कहा, चूंकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम न आएगी। ऐन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। देखिए, इस घटना का महाभारत के युद्ध से गहरा संबंध है। क्या हुआ था कि कर्ण को ब्रह्मास्त्र चलाना सीखना था
और ब्रह्मास्त्र परशुराम जी चलाते थे, वे ही सिखा सकते थे। लेकिन परशुराम जी केवल ब्राह्मणों को ही सिखाते थे, इसलिए कर्ण ने धोखे से ब्राह्मण का वेश धारण किया और परशुराम से शस्त्र चलाना सीख लिया। लेकिन एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे और इतने में एक भौंरा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और उसको काटने लगा। लेकिन कर्ण ने अपना पैर हिलाया नहीं, क्योंकि उसने सोचा कि अगर से गुरुदेव की नींद खुल गई तो वे क्रोधित हो जाएंगे। तो वह दर्द सहता रहा और जब खून की धार बहने लगी और उससे परशुराम जी गीले होने लगे, तब उनको पता चला कि कर्ण को भौरे ने काटा है और वह इस दर्द को सहन कर रहा था। अब चूंकि कीड़ा जब काटता है या जब कोई भी जख्म होता है तो उसे सहने की योग्यता केवल वीर पुरुषों में ही होती है, तो परशुराम जी झट से समझ गए कि कर्ण कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, वह एक वीर योद्धा है। तो जब उसने परिचय पूछा, कर्ण से सही सही बात पूछी, तो कर्ण उनसे छुपा नहीं पाया और सब कुछ बता दिया कि वह एक सूत पुत्र है और ब्राह्मण नहीं है। तो परशुराम जी को जब ये पता चला तो वे बहुत गुस्सा हुए, क्योंकि कर्ण ने उनसे झूठ बोला था। इसलिए उन्होंने कर्ण को शाप दे दिया कि युद्ध के मैदान में वह अपनी सारी विद्याएं भूल जाएगा और उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा और उसके रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही महाभारत के युद्ध में हुआ था। क्या हुआ था? परशुराम जी का यह शाप झूठा ना हुआ। जीवन भर कर्ण को उनकी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या याद रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वह याद न रही। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौरवों का साथ न छोड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म तथा आचार्य द्रोण के आहत हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया था। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। आखिर जब शापवश उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह धनुष बाण रख कर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा, तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया। माता कुंती ने जब यह सुना तो उसके दुख का पार न रहा। तो महाभारत के युद्ध में क्या होता है कि जब भीष्म पितामह घायल हो जाते हैं और आचार्य द्रोण भी नहीं रहते हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तब कर्ण को सेनाध्यक्ष बनाया जाता है और वह 2 दिन तक बहुत वीरता के साथ युद्ध लड़ता है। लेकिन युद्ध करते करते उसके रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है और वह अपने रथ का पहिया निकालने के लिए जैसे ही रथ से नीचे उतरता है, धनुष बाण नीचे रखता है, तभी अर्जुन उस पर तीर चला देता है और वहीं पर फिर कर्ण की मृत्यु हो जाती है। और जब कुंती को यह समाचार प्राप्त होता है, जब यह खबर मिलती है, तो वह बहुत दुखी होती है, क्योंकि सिर्फ वह ही जानती थी कि कर्ण उसका वही पुत्र है जिसे उसने गंगा की धारा में बहा दिया था। तो देखा बच्चों आपने कि कर्ण और पांचों पांडव आपस में भाई होते हुए भी केवल वास्तविकता का पता न होने के कारण हमेशा एक दूसरे के शत्रु बने रहे, और कर्ण ने भी अपने भाइयों का साथ देने की बजाय युद्ध में दुर्योधन का साथ दिया और अंत में अपने ही भाई अर्जुन के हाथों मारा गया। चलिए अब हम इस पाठ में आए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को छोटे छोटे से प्रश्नोत्तर के माध्यम से दोहरा लेते हैं। प्रश्न 1, पांडवों ने किन किन गुरुओं से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई थी? उत्तर, पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा पाई थी। प्रश्न 2, रंगभूमि में अर्जुन के सामने कौन आकर खड़ा हो गया तथा उसने अर्जुन को क्या चुनौती दी? उत्तर, रंगभूमि में अर्जुन के सामने कर्ण आकर खड़ा हो गया। आते ही उसने अर्जुन को ललकारा कि जो भी कर्तव्य उसने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल वह दिखा सकता है, क्या वह इसके लिए तैयार है? प्रश्न 3, कर्ण के आने से दुर्योधन को क्या महसूस हुआ? उसने कर्ण का समर्थन कैसे किया?
उत्तर, कर्ण के आ जाने से पांडवों के प्रति ईर्ष्या की आग में जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। वह बहुत खुश हुआ और तुरंत पितामह भीष्म तथा पिता धृतराष्ट्र की अनुमति लेकर कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। प्रश्न चार, कर्ण की चुनौती पर अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर, कर्ण की चुनौती सुनकर अर्जुन तैश में आकर बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं, वे निंदा के योग्य होते हैं। प्रश्न पांच, दुर्योधन ने किसकी अनुमति से कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया? उत्तर, दुर्योधन ने अपने पितामह भीष्म तथा पिता धृतराष्ट्र की अनुमति से कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। प्रश्न छह, कर्ण को सूर्यदेव ने क्या कहकर सचेत किया था? उत्तर, कर्ण को सूर्यदेव ने यह कहकर सचेत किया था कि इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में धोखे से तुम्हारा जन्मजात कवच और कुंडल भिक्षा में मांगने वाले हैं। प्रश्न सात, कर्ण की दानशीलता से खुश होकर इंद्र ने उसे क्या वरदान दिया? उत्तर, कर्ण की दानशीलता से खुश होकर इंद्र ने उसे शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र प्रदान किया। एक अंतिम प्रश्न और देखते हैं। प्रश्न आठ, कुरुक्षेत्र के मैदान में कर्ण के साथ क्या घटना घटी? उत्तर, कुरुक्षेत्र के मैदान में परशुराम के शापवश कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। वह धनुष बाण रखकर पहिए को निकालने लगा, तभी अर्जुन ने उस महारथी पर बाणों से प्रहार किया और उसी समय कर्ण की मृत्यु हो गई। तो बच्चों, आशा है कि आपको यह पाठ ठीक से समझ में आया होगा, साथ ही प्रश्नोत्तर याद करने में भी बहुत आसानी होगी। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं, साथ में इसे शेयर भी करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए पाठ के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।